everybody, I am Issa Khan Jadon. I welcome you all on my YouTube channel, Issa Khan Design and Drawing Center. If you are interested in 2D and 3D ground floor plans, first floor plans, basement plans, then please subscribe my channel and also press the bell icon. Okay viewers, कल मैंने 50x90 का एक प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया था, या आई मीन के एक कनाल का प्लॉट की लेआउट मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। लेकिन चूंकि मोस्टली व्यूअर्स की रिक्वेस्ट होती है कि हमें एक कनाल में मज़ीद प्रपोजल्स, मज़ीद ऑप्शंस भी हमारे साथ आप शेयर करें तो आपकी मेहरबानी होगी। तो मैंने आप लोगों की ईज़ के लिए आज एक और मैंने प्लान रेडी किया है, प्रपोजल 2, जिसका मैंने जैसे नाम दिया 50x90 का एक कनाल का 4500 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए मैंने इसके लेआउट की है। और ये बात मैं कल भी आप लोगों को क्लियर कर चुका था कि कवर्ड एरिया हमारा बाद में आके निकलेगा, क्योंकि 4500 स्क्वायर फीट का ये मतलब नहीं है कि इसके एक एक इंच पर हमारा कंस्ट्रक्शन होगी। नहीं, हमारे वाइड साइड पैसेज होते हैं, रेयर पैसेजेस होते हैं, पोर्च होता है, जो ओपन जगह होती हैं, लॉन होते हैं हमारे, ये हमारे कवर्ड एरिया में इंक्लूडेड नहीं होते। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50x90 50 फीट इस प्लॉट की हमारे पास विड्थ है और 90 फीट ही इस प्लॉट की हमारे पास लेंथ है। कुल मिला के ये 4500 स्क्वायर फीट की जगह बन जाती है। सो स्टार्ट लेते हैं। ये हमारे हाउस का मेन फ्रंट है, जहाँ से हमें व्हीकल्स की एंट्रेंस और आउट होने के लिए एक रास्ता मुहैया करता है, बड़ा गेट जिसे हम कहते हैं, मेन गेट जिसे हम कहते हैं। और ये इस मेन गेट के ब्राउन कलर में आपको बॉक्स की फॉर्म में एक इसके कॉलम्स आपको या पिलर्स नज़र आ रहे होंगे। ये हमारा मेन गेट है और ये इसके सब और इस मेन गेट से एंट्रेंस होते ही हमारे सामने हमें पोर्च दिख रहा है 16x15 का। मेरा मतलब यह है कि 16 फीट इसकी विड्थ है और 15 फीट इसकी लेंथ है। इस पोर्च के साथ ही आप लोगों को एक 5 फीट का चौड़ा साइड पैसेज आप लोगों को दिख रहा है। और ये हमारे घर के जितने भी सेवेज सिस्टम होते हैं, गैस के पाइप्स होते हैं, बिजली की तारों के जो पाइप होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पानी के पाइप होते हैं, उन्हें गुजारने के लिए, उन्हें पास आउट करने के लिए इस घर की तीनों इतराफ में मैंने 5 फीट का साइड पैसेज दिया हुआ है, और जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ की बाई लॉस को भी फॉलो कर रहा है। ये प्लस पॉइंट है। ये साइड पैसेज जो लेफ़्ट साइड पे है, यही बैक पे जा रहा है और यही फिर कनेक्ट हो रहा है हमें आके राइट पे, और ये सीधा आके फिर हमारे लॉन में मिल रहा है। ओके जी, सो ये हमारे पोर्च के साथ ही हमें 15 फीट 9 इंचेस का फ्रंट वाइड लॉन है। और ये मैंने एक आपको एज आप लोग इमेजिन करवाने के लिए एक इसका आपको लॉन का लेआउट दिया हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स को मैंने यहाँ पर इंसर्ट करके ऑटो कैड में आप लोगों को एक लेआउट, आपको एक अंदाज़ा था चूँकि हो जाए कि लॉन ही है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्मॉल प्लांट्स इंसर्ट करके दिए हुए हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। हमारा डबल स्विंग डोर्स हमने आएगा हमारे घर में एंट्रेंस के लिए, घर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 5 फीट वाइड डबल लीफ डोर या डबल स्विंग डोर आएगा। अब यहाँ पर डोर के साइज़ की बात कर ली जाए तो आप 5 फीट भी रख सकते हैं, आप 4 फीट 6 इंचेस भी रख सकते हैं, या आप सिर्फ 4 फीट भी रख सकते हैं, या 5 फीट से बड़ा भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो जिसने घर को डिज़ाइन किया है, तो ये इस पर डिपेंड करता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अलबत्त 4 फीट से स्मॉल नहीं हो सकता, ये मिनिमम हमारे पास है, और 5 फीट एक एवरेज होती है। और मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिसमें इस प्लान में ये सूटेबल था, इसमें 5 फीट रखे। ओके, लेट्स मूव ऑन। ये हमारा 5 फीट की मेन एंट्रेंस है। इंटर होते ही हमें एक एंट्रेंस पोडियम मिलेगी। एंट्रेंस पोडियम के ज़रिए हम घर के मुख्तलिफ हिस्सों में जा सकेंगे, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे की तरह। एंट्रेंस पोडियम जो डायमेंशंस आलमोस्ट वो इक्वली है, 7 फीट क्रॉस 7 फीट 7 इंचेस इसकी वेट है और 7 फीट 7 इंचेस की लेंथ है। एंट्रेंस पोडियम की एंड राइट साइड पर हमें एक बड़ा किस्म का, एक बड़ी स्पेस, लार्ज स्पेस वाला ड्राइंग रूम मिल रहा है, जिसकी डायमेंशंस आपके सामने हैं 18 फीट 3 इंचेस क्रॉस 13 फीट 3 इंचेस। ड्राइंग रूम के लिए भी सेम मैंने डबल लीफ डोर का ही यूज़ किया है, डबल स्विंग डोर का ही, और अगेन 5 फीट ही मैंने इसकी वेट रखी है। और ये ड्राइंग रूम में आपको फर्नीचर का लेआउट दिख रहा है कि आपने ऐसे ऐसे करके अपनी फर्नीचर को इंसर्ट करना है। लेकिन जो घर के इनमेट्स हैं, जो घर के रिहायशी, जो घर के रहने वाले, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन मैंने किया है और मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि आपने इस किस्म के सोफ़े ऐसे ऐसे आपने रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिर डाइनिंग हॉल है।
कल जो मैंने एक कनाल का प्लॉट आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, जो शेयर किया था मैं भी, आप लोगों ने देखा है या नहीं, उसमें भी सेम यही था। कर्टेन वॉल्स का मैंने यूज़ किया हुआ था, दरमियान में ये ऑलमोस्ट 7 फीट की कर्टेन वॉल है और 3 3 फीट की साइड पे सॉलिड हमारे पास वॉल्स यूज़ की हुई हैं। दरमियान में पर्दा होगा और साइडों पे दोनों तरफ में आपके पास 3 या 4 4 फुट की दीवारें, सॉलिड दीवार कंस्ट्रक्ट होगी। अब एक रास्ता तो ड्राइंग रूम डाइनिंग हॉल में जाने के लिए डायरेक्ट ड्राइंग रूम से जाता है और एक रास्ता हमें एंट्रेंस पोडियम प्रोवाइड करता है एक ग्लास डोर की उसमें। मैंने डाइनिंग हॉल के लिए अगेन ग्लास डोर का ही यूज़ किया है। आप यहाँ पे लाइक ड्राइंग रूम की तरह आप डबल स्विंग डोर का या डबल लीफ डोर का भी यूज़ कर सकते हैं या आप ग्लास डोर का भी यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग हॉल के एन अपोजिट आपको एक स्टेयर केस लॉबी मिलेगी और स्टेयर केस लॉबी को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे मैंने डबल हाइट लॉबी रखी है और इस पूरे जो एरिया का जो स्टेयर केस लॉबी है इसकी डायमेंशन हमारे पास हैं 17 फीट इसकी वेथ है और 12 फीट 3 इंचेस इसकी लेंथ है। और ट्रेड और राइजर अगेन सेम रखे हैं मैंने, राइजर 6 इंचेस की रखी हुई है और पाउडर रूम साथ गिवन है हमें। आप इसे एज अ कॉमन टॉयलेट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसे एज अ वॉशरूम भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसे एज अ पाउडर रूम भी कंसिडर कर सकते हैं। 4 फीट x 8 फीट की डायमेंशन में हमें पाउडर रूम गिवन है। सो व्यूअर्स नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, अगेन हमें लाउंज में एंट्रेंस होने के लिए, लाउंज में एंट्रेंस के लिए व्यूअर्स मैंने अगेन 5 फीट की ही डबल स्विंग डोर है और लाउंज अगेन मैं कहूँगा एक कनाल के घर के लिए ये बहुत बड़ा लाउंज है, ये बहुत स्पेसी किस्म का लाउंज है, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हाँ आपको, लेकिन ये आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्नीचर प्लान मैंने इसमें कुछ इतना स्पेशली फर्नीचर प्लान मैंने एक ऐसा आप लोगों को विजुलाइज़ करवाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा लाउंज है। डायमेंशन में पढ़ लेता हूँ इसकी, 20 फुट 9 इंचेस x 17 फुट 3 इंचेस की इसकी डायमेंशन है और मैं अगेन बोलूँगा ये बहुत बड़ा लाउंज है। और लाउंज के बिल्कुल सामने आपको एक सामने वाली दीवार पे एंटरटेनमेंट वॉल भी, आपको मीडिया वॉल भी आप लोगों की दिख रही होगी जहाँ पर आप लोग LCD लगा सकते हैं। अगर लाउंज के बिल्कुल अपोजिट देखा जाए तो बावर्ची खाना किचन हमें मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है और अगेन मैंने किचन की एंट्रेंस के लिए ग्लास डोर का ही यूज़ किया है। और ये मैंने किचन के लोअर और अपर टॉल कैबिनेट्स के लिए मैंने एक लेआउट आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखा हुआ है। और किचन से ही हमारी एंट्री हो गई, एक छोटा सा हमारे पास स्टोर रूम है या जिसे हम पेंट्री रूम भी कहते हैं, यहाँ पर आप अपने घर का फालतू साजो सामान और UPS वगैरह भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। 5 फुट 5 इंचेस x 5 फुट का ये स्टोर रूम है और इसी स्टोर रूम से आपकी एंट्रेंस होगी सर्वेंट किचन में, 10 फुट x 5 फीट का जो हमारा सर्वेंट किचन है और ये सर्वेंट किचन के टॉल और लोअर कैबिनेट्स के लिए लेआउट है। और सर्वेंट किचन से ही आप यहाँ से घर के बाहर भी जा सकते हैं। आई मीन टू से कि हम जो हमारा 15 फीट 9 इंचेस का फ्रंट, जो हमारा घर का सामने वाला सहन है, जो सहन की गली है, हम उस गली में से इंटर हो के भी डायरेक्ट बाहर से भी अपने सर्वेंट किचन में भी इंटर हो सकते हैं। सो मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रहा था कि इस दरवाज़े का क्या फ़ायदा है कि हम लोग घर की बाहर वाली साइड से भी आकर सर्वेंट किचन में इंटर हो सकते हैं और दूसरी बात डाइनिंग हॉल से भी हम अपने पेंट्री रूम में या अपने स्टोर रूम में इंटर हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, किचन भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट फिर लाउंज से हमारी आगे एक बेड लॉबी आएगी। ये बेड लॉबी हमें जो हमारे घर के कमरे हैं, जो मैंने इस घर में 2 कमरे डिज़ाइन किए हुए हैं, उन कमरों तक रसाई हासिल करने में हमारी मदद करेगी। और ये 6x6 की मतलब 6 फुट इसकी वेथ और 6 फुट ही इसकी लंबाई है इस बेड लॉबी की। सबसे पहले हमें एक मास्टर बेड देखने को मिलेगा, मास्टर बेड इस घर का देखने को मिलेगा और इस मास्टर बेड में हमने बेड रखना कहाँ पे है उसकी ऑलरेडी मैं आप लोगों से इसकी बेड की पोजीशन भी मैं शेयर कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को भी नज़र आ रही होगी। मास्टर बेड की डायमेंशन 13 फीट 9 इंचेस x 17 फीट हैं और इस मास्टर बेड के एन सामने आपको है एक सिटिंग एरिया दिया गया है और ये काफ़ी ह्यूज सिटिंग एरिया है। डायमेंशन इसकी 9 फुट 3 इंचेस क्रॉस 7
फीट 6 इंचेस हैं सिटिंग की, और इस सिटिंग एरिया का भी मैंने फर्नीचर लेआउट आप लोगों से पूरे का पूरा शेयर कर दिया है। और साथ ही इसका चूँकि यह मास्टर बेड है, इसका जाहिर है बाथरूम भी मास्टर ही होना चाहिए, ड्रेसिंग रूम भी मास्टर होना चाहिए। मास्टर बेड के लिए यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग रूम दिया है 7 फीट 7 इंचेस क्रॉस 6 फीट का, और उसके साथ ही साथ ओपनली मैंने यहाँ पे बाथ दिया हुआ है। ये हमारा शॉवर का, ये हमारा वॉश बेसन, वॉश बेसन के लिए मैंने यहाँ पे लेआउट बनाया हुआ है, साथ ही शॉवर का एरिया। और मैंने कल भी आप लोगों से बताया था, शेयर किया था कि मेरी एन कोशिश होती है कि शॉवर के साथ ही शॉवर के एन ऊपर वेंटिलेशन बाथरूम के लिए प्रोवाइड कर दी जाए, और यहाँ पे मैंने कोशिश फिर की है कि डेढ़ फुट के यहाँ पर मैंने एक वेंटिलेशन रखी है शॉवर के एन ऊपर, और यहाँ पे हमारी इंग्लिश सीट अवेलेबल है, और यहाँ पे हमारा जैकुजी यानी कि जो बड़ा बाथ टब होता है वो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया हुआ है। और चूँकि ये मेरे अपना बाथ के डायमेंशंस बाथ बहुत बड़ा है, मास्टर बेड के लिए बाथ का बड़ा मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जैकुजी का इस्तेमाल होगा, मैंने बड़ा बाथ टब, बड़ी काफ़ी कुशादा शावर के लिए जगह, और काफ़ी कुशादा वॉश बेसिन के लिए जगह, और काफ़ी कुशादा ही हमें टॉयलेट के लिए इंग्लिश सीट के लिए जगह मैंने बनाई हुई है। पूरा लेआउट आप लोगों के सामने है। ओके जी, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट बेडरूम की तरफ। लॉबी से ही हमें रसाई मिलेगी अब हम अपने दूसरे कमरे में जाने के लिए। ये कमरा पहले वाले कमरे से निस्बतन थोड़ा सा छोटा है। डायमेंशन इसकी हैं 14 फुट क्रॉस 16 फुट की, 14 फीट इसकी वेड, और 16 फीट इसकी हमारे पास आ जाएगी क्या चीज़ जनाब, लेंथ। और यहाँ पे एक सिटिंग एरिया के लिए आप यहाँ पे भी एक सोफ़ा रख सकते हैं, या बेड के सामने भी रख सकते हैं। अगर बेड के सामने आप लोगों ने टीवी वगैरह की इंस्टॉलेशन नहीं करनी तो यहाँ पूरे लाइन में आप अपने सोफ़े इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ ही इसका एक बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बात छोटा, ये एक बात भी विड्थ वाइज बहुत बड़ा बात है। 14 फीट 4 इंचज इसकी विड्थ है, और 7 फीट ही इसकी लेंथ है। ये बात का मैंने पूरा लेआउट आप लोगों से शेयर कर दिया है, और ये शॉवर का एरिया प्लेटफॉर्म, और ये हमारी इंग्लिश सीट। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास आज का प्लान था, एक कनाल के घर के रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए कंप्लीट लेआउट थी। अब मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस पूरी वीडियो में इस घर के जो मैंने चीज़ें डिज़ाइन की, जो चीज़ें मैंने ड्रॉ की हुई हैं, उन्हें आप लोग उनकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। व्यूअर्स, अगर फिर भी वीडियो देखने के बाद आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, हाँ अगर आपको इस प्लान का PDF ऑटो गाइड का PDF वर्जन चाहिए, तो मेरा नीचे WhatsApp, मेरा नीचे Facebook पेज का लिंक, मेरे Facebook के पेज में भी जाके आप उसे फॉलो लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी मेरा WhatsApp गिवन है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा, और साथ साथ अपनी ऑफिशियल ईमेल ID भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप सबको खुश आमदीद है, आप किसी भी वक्त मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं इस प्लान के मुतालिक, और किस चीज़ के मुतालिक आप डिस्कस कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी लाजमी से शेयर कीजिएगा, ताकि सबका भला हो। आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।